ये किसने किया? सामने आओ। कितना अजीब है। ये अच्छा नहीं है। अपने हाथ ऊपर करो। दूसरा वाला भी आ गया। अरे यार, मुझे माफ कर दो। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? देखो शांत हो जाओ। सच में तुम हमें शांत होने के लिए बोल रहे हो? मुझे मेरी गाड़ी वापस दे दो गंदे बालो। तुम तो गए, समझ गए? आओ और इसे ले लो वापस। छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं, अरे ये लो भाई, पकड़ो। मुझसे पंगा लेना बंद करो। ये ले। सोचेगा। चलो भाई। एक और दिन बर्बाद हो गया, सब उन बदबूदार भालुओं की वजह से। अगर मैं थोड़ा बड़ा या तेज होता तो। यार क्या आप अब भी दूध पीकर बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं? छोटा होना बहुत ही दुखदायी होता होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लंबाई अच्छी नहीं है तो फिर ये चीज आपके लिए एकदम सही है। उछलने वाले जूते। हाँ, उछलने वाले जूते। और 10 मिनट के अंदर फोन करने पर ये आपको मिलेंगे एकदम आधे दामों पर। ऑपरेटर साहब का इंतजार कर रहे हैं, तो तुरंत फोन घुमाइए। हेलो, मुझे उछलने वाले जूते चाहिए। और हाँ, कृपया थोड़ा जल्दी भिजवा देना। लखा के लिए सामान है। ठीक है, आ रहा हूँ। ये पक्का मेरे जूते होंगे। वाह, देखो तो इन्हें। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखूंगा। सब कुछ इतना अलग लगता है यहाँ से। ओहो बेवकूफ। हवा भी यहाँ से ज्यादा अच्छी आती है और मैं बहुत दूर तक भी देख पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे अच्छी चीज जिसमें मैंने पैसे लगाए हैं। मुझे लगता है मुझे अभी तक आदत नहीं हुई है इसकी ताकत की। इन जूतों की वजह से मुझे उन भालुओं से डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी का हर पल बहुत ही आसान बना देंगे। मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। कौन है? लखा, काम खत्म करने में इतनी देर क्यों लग रही है? हेलो सर, मैं बस यहाँ खत्म ही कर रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू इस बार दुगना काम करे। तुझे कोई परेशानी है इस बात से? मैं समझता हूँ सर, समझिए हो गया सर। मेरे पास बस एक गुप्त हथियार है जिससे मैं सारा काम कर लूंगा। हाँ सर, ठीक है, काम शुरू किया जाए। ओहो, सब कुछ कितना आसान हो गया है। लखा, कुछ अलग सा लग रहा है आज। भाई उसके पैरों में देखो। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा कैसे करोगे, है ना? अगर सच कहूँ तो तुम नहीं कर सकते। क्या सच में? लोग हंस किस बात के लिए रहे हो? करना चाहता है भाई। ये वो वाले जूते
चलने वाले छोटे और ये बहुत अलग है, तुम नहीं समझोगे। रुको लखा, अपनी आरी फेंक दो वरना। आओ आओ, पकड़ सको तो पकड़ लो। टकले लखा वापस आओ, वो जूते सच में काम कर रहे हैं। क्या उसको इतना मोटो मोटो भाई? बेकार। अरे नहीं, वो कहाँ गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। ये बहुत अजीब है। ए डब्लू, क्या तुम ठीक हो? मुझसे बात करो यार, पीठ दिखाओगे तो लात पड़ेगी। ये जूते तो उससे भी अच्छे हैं जितना मैंने सोचा था। बाल बाल बच गए। ये क्या? वो आज ये आदमी आसमान पर है और इसका पूरा श्रेय इन जूतों को जाता है। वाओ, काम पर लग जाओ, च्युइंगम खा लेता हूँ। नहीं, किसी तरह से उसे रोकना ही होगा, मुझे पता है। डब्लू उठो, उठो डब्लू, उठो, पक्का पेड़ काट रहा है। डब्लू उठो। क्या? नहीं, अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, हमें सावधान रहना होगा, समझे? मैं तो हमेशा से सावधान हूँ। जूतों के साथ वो ज्यादा ताकतवर हो गया है तो सोचो हमें वो जूते लेने ही होंगे, और उसके करीब कैसे पहुँचे, बोलो तुम छोटे। रुको, उसका ध्यान भटकाओ मैं। ये बुरी तरकीब नहीं है। है वो मेरी टोपी है, मुझे मेरी टोपी वापस दो। लगा देखो तुम्हारी टोपी मेरे पास है, पकड़ लो के ले लो। बस बहुत हुआ, टोपी लौटाने का समय आ गया है। तुम्हें क्या कहा, तुम मुझसे बच सकते हो? नहीं बच सकते। पकड़ लिया ना, अब इसके लिए तैयार हो जाओ। ए डब्लू, मुझे कोई बचाओ। अरे गंदे भालू, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे हार नहीं मानने वाला। अरे बात जोर की लग गई। नहीं नहीं, ये तो कम है। मुझे बात जोर की लग गई। भागो बदबूदार भालू, आप बाहर बचाओ, मुझे बचाओ। क्या, ये क्या है? ये वही काम है जो लखा के पास है। और चिंगम ही मैं आप वापस लेकर आऊंगा। बहुत अच्छे छोटे, गम दो मुझे, मेरे पास एक तरकीब है। कोई भी तरीका आजमा लो, काम नहीं करने वाला है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम लखा से बचकर भाग सकते हो? मैं तुम दोनों को पकड़ लूंगा। तैयार हो जाओ, ये लो। ये हो क्या रहा? खराब हो गए। देखो मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। क्या सच में? तुम इसके बाद जा सकते हो? चेहरे पर नहीं।
दोपहर के खाने के लिए घंटी बज रही है, चलो शेड ढूंढने चलते हैं। अरे मम्मे, अरे पापा, मुझे शहद का पोटला चाहिए। वो दुख रहा है। अरे ये सारे गड्ढे कैसे हैं? ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा राक्षस यहाँ से चल के गया है। कहाँ गए? डुगू? मेरी मूली कहाँ चली गई? चलो। हे डुगू। कौन है वहाँ? पीछे घूमो। तब लो। क्या हाल है? मैं तो बस सोच रहा था कि ये गड्ढे यहाँ कैसे हो गए। हाँ, तो क्या? मैं मुझे मेरी मूली नहीं मिल रही। क्या? तुम्हारे पास तो बहुत सारी है, क्या हुआ अगर एक नहीं मिल रही तो? क्योंकि वो सबसे अच्छी वाली थी, एकदम बढ़िया, मुझे वो वापस चाहिए। चिंता मत करो, अगर नहीं मिली तो उससे भी अच्छी मिल जाएगी तुमको। ये नामुमकिन है, उससे बेहतर नहीं हो सकती। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मूली थी, ये वो गुलाबी वाली मूली थी जो सिर्फ राजा रानियों की कहानियों में मिलती है। रुको डुगो, रुको। ए भगवान, अरे मैं तो फंस गया, अब कैसे निकलूं? चलो। बहुत बढ़िया, मैं सपना देख रहा था। ये क्या है? क्या ये मूली है? अच्छी दिख रही है। रुको, इसका स्वाद तो हवा जैसा है। मैंने ऐसी मूली तो कभी नहीं देखी। अरे ये तो सलाद के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अरे हाँ, हाँ। चुप रहो, वो मेरी है, तुम्हें जलन हो रही है। अरे अरे ये तो वो है ना, अब इसे क्या चाहिए? क्या हुआ मेरे दिल का टुकड़ा? आखिर तुम मुझे मिल गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरी मूली मिल गई, वो मूली लेने का घटिया आइडिया है तुम्हारा। बोलो मत कि जंगल का ये इलाका मेरा है, तुम बस एक कीड़े हो, तो दफा हो जाओ, समझे? ठीक है, चलो अब बढ़िया सलाद बनाएंगे। चलो बिल्ले। लक्के, तुमने मेरी मूली चुराई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आओ, क्यों मारा? तुम जानते हो क्यों? अरे तुम फिरता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चों का खेल बंद। अब तू गोली खाएगा। भागता कहाँ है? ए, सिर्फ डरपोक होगा तो ये अंदर छुपेगा, बाहर निकल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिल्ली, इधर आओ, अंदर जाओ और सब बाहर निकाल के लाओ। जाओ, अगर नहीं लाई तो आज का खाना नहीं मिलेगा। बढ़िया, फंस गया हूँ। अच्छा, ये तो कमाल है। मुझे यहाँ से निकालो। बिल्कुल, मत पास। दिमाग बदल रहा है। जल्दी करो। मेरी मूली वापस करो।
घुस आता है क्या? तेरे तो कीड़ा कहेंगे खेल बंद करो, मजाक नहीं चल रहा है। तुम्हारा पीछा रुका इधर कौन है यहाँ पर? तुम मुझे नहीं पकड़ सकता। बिल्ली तुम चुप रहो। अरे नहीं, इन्होंने डुको को पकड़ लिया, मुझे जाके भालू को बताना होगा। भाई यहाँ पर नहीं है, मैं जानता हूँ वो इसे खाना चाहेगा। डब्लू डब्लू क्या डुगू, लखा ने उसे पकड़ लिया, चलो चल के उसे बचाते हैं। लखा तो बहुत ही घटिया आदमी है, चलो चिंटू उसे पकड़ते हैं। चिंता मत करो सेठ, वो समझदार वाला छुट्टी पर गया है तो बस बुद्ध वाला बचा है, कोटा जल्दी पूरा होगा। अच्छा आपको पता है मैंने जंगल से क्या पकड़ा? नहीं नहीं नहीं, ये वो चूहे जैसा दिखता है, एंटीक पीस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हाँ हेल्दी भी है। हाँ तो मुझे चाहिए क्या? हाँ हाँ, बड़ी दिक्कत होती होगी, इसे देख सकते हो पर खा नहीं सकते। हाँ ये बिल्कुल साफ हो गया, कोशिश करो पर तुम्हारे साफ। हाँ ये वैसे भी साफ है, बस थोड़ी हिम्मत मत हारो, ये लो। जी हाँ जी, भरोसा रखिए मुझ पे, ये बहुत छोटी सी चीज है, पूछ लाती रहती है बस। बहुत बढ़िया, हम पैसे की बात बाद में करते हैं। अरे हाँ जरूर जरूर, मैं उसे अभी पहुंचा दूंगा लंच के बाद में। ठीक है बाय बाय। अरे मैं तो रईस होने वाला हूँ। क्या हो गया इसे? उठा 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 बिल्ली, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें बोला था ना इसका ध्यान रखने को, हमेशा बस सोने के अलावा कुछ काम नहीं सोचता तुम्हें। तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मुझे फर्स्ट एड की जरूरत है। अरे उठो उठो उठो। कुछ नहीं हो रहा यार, लगता है इसे CPR देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। मेरी मौली, आखिरकार बिल्ला मुझे वापस दो। मूली मुझे दो, वो मेरा खाना है। अब बात समझ में आई, तुम्हें ये चाहिए था। चलो ठीक है, ये लो ले लो। पहली बार चीजें मेरी तरीके से हो रही हैं। अरे नहीं, चलो चले ठीक है। ला 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 ला। क्या हमारे दोस्त को लौटा दो शैतान की औलाद। क्या कोई मजाक उड़ाएगा? लखा की गाड़ी डुगू के गड्ढों में फंस गई है। या मेरा पीछा मत करो। कौन सकते हो कि डुगू के गड्ढे आज काम में आए हैं? और बता मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे वाह कितनी सुंदर लकड़ियाँ हैं। ओ अरे क्या बात है। आहा, 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 आहा,
अरे यहाँ क्या चल रहा है? पेड़ कहाँ चला गया? ये कोई मजाक है क्या? क्या हो रहा है? लगता है कोई प्रलय आया है। लखा के बच्चे, तो तुम्हें पेड़ काटने में बहुत मजा आता है ना? हम दिखाते हैं पेड़ कैसे काटा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। क्या हो रहा है? कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो। अच्छा हुआ ये एक सपना था, भगवान का शुक्र है। अरे मुझे क्या हो गया है, मैं नींद में। नहीं नहीं मेरी कोई मदद करो, बचाओ। मुझे बार बार बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? क्यों, आखिर क्यों? वो बेकार भालू, देखता हूँ। गंदे भालू कैसे हो? सब ठीक है ना? मुझे लगता है थोड़ी देर में बरसात होने वाली है, तो मुझे घर जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना दर्द हो रहा है, मेरा चेहरा खराब कर दिया। उन बेवकूफ भालुओं ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऊपर से मुझे डरावने सपने आ रहे हैं, मैं अपना काम कैसे करूंगा? लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो लक्का है। ये क्या? मुझे पहले तो कभी डरावने सपने नहीं आते थे, समझ में नहीं आ रहा कि ये अब क्यों आ रहे हैं। बड़ी ही अजीब बात है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मार्टी से सवाल जवाब। इस शो में आपका स्वागत है। आज के शो में हम नींद ना आने और रात को डरावने सपने के बारे में बात करेंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर है 5552507694। डॉक्टर मार्टी लाइन पर बने हुए हैं। उठा लो फोन, उठा लो। आज का पहला कॉल है। हेलो, मैं डॉक्टर मार्टी बोल रहा हूं। डॉक्टर मार्टी, मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे हैं और ये बहुत अक्सर हो रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। नींद न आने के कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि काम पर बहुत ज्यादा बोझ या फिर कोई पुराना हादसा हो तो। उस लखा के साथ क्या चल रहा है? कुछ अजीब लग रहा है। आपके आसपास की आवाजें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे कि नल से गिरता हुआ पानी, ट्रैफिक की आवाज। इन नल से गिरते हुए पानी की आवाज? हाँ, रुको। यदि आप समझ में आया है, बदमाश भालुओं से कैसे बदला लूंगा मैं? सलाह लें भाई, आज मछली खाने का मन कर रहा है। ठीक है, अब उन भालुओं को लखा मजा चखाएगा। मैं कितना अकलमंद हूँ। अरे नहीं, क्या मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बड़ी अजीब बात है। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हैं? नहीं रुक जा लखा के बच्चे। अरे नहीं या मेरे पैर, अरे मेरे पैर, मेरे पैर। ये क्या,
हाँ? अरे अरे मैं पेड़ लकड़ी लकड़ी काटो लकड़ी लकड़ी काटो लकड़ी लकड़ी काटो लकड़ी लकड़ी काटो लकड़ी लकड़ी काटो। अरे नहीं मेरा शेर नहीं। कितना डरावना था। डब्लू कहाँ गया? मुझे नींद आ रही है। कल रात को एक डरावना सपना देखा था। चलो हमें पक्का करना है। हाँ बहुत अच्छा लका फिर लकड़ियाँ काट रहा है। ओह चलो चलते हैं भाई। चलो ठीक है। कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ सही कहा हम दोनों ही हैं। और तू भी कभी नहीं सुधरेगा। सच में उठो डब्लू डब्लू उठो। लगता है मेरी तरकीब कामयाब हो गई। यकीन नहीं हो रहा। डब्लू उठो डब्लू छोटे ऊंचा। अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बहुत दर्द हो रहा है भाई। चलो भाई उठो भाई चलो। कोई बात नहीं फिर मिलेंगे हम। उसने बहुत जोर से मारा। बहुत बस लखा जब हम थके हुए हैं तब हम पर हमला कर रहा है। मैं तो उसे मजा चखाऊंगा लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सो लेना चाहिए छोटे। ठीक है। वाह कितना बड़ा छत्ता है। वाह बहुत अच्छे। शहद मुझे वापस दे दो वरना अपनी जान खो दो। नहीं 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 ये तो एक और डरावना सपना था। डब्लू तुम्हें भी लक्का मेरा पीछा कर रहा था। बहुत ही डरावना सपना था भाई। मैं डर गया। नहीं नहीं कुछ करना पड़ेगा। हाँ लेकिन लक्का की जगह एक मधुमक्खी थी जिसने मेरा पूरा के पूरा शहद ले लिया। हमें एक दूसरे की आँख पकड़ कर खुली रखनी चाहिए। शायद इससे ही कुछ फायदा हो भाई समझे। क्या और भी कोई तरकीब है तेरे पास छोटे? डब्लू डब्लू लक्का फिर से पेड़ काट रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा। सुनो तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे समय बहुत कम है। अभी नहीं डब्लू और मैं दोनों डरावने सपनों को दूर भगा रहे हैं। हम दोनों को आंखें खोल कर रखना होगा। माफ करना चिंटू हम लक्का से बाद में निपट लेंगे। इस समय तो हमें अपने डरावने सपने से बचना है। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। अरे ये क्या है इतनी जोरों की आवाज? ये आवाज अभी समझ में आया। हाँ आपके आसपास की आवाजें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। उस लक्का के साथ क्या चल रहा है? कुछ अजीब लग रहा है। पुरानी बात देखते हैं। तो यही थी वो आवाज अब समझ में आया। इसे जल्दी से बंद करो छोटे हमें लक्का से निपटना है। चलो जल्दी उसे बंद करो। हाँ लक्का गया काम से। हम लक्का को नहीं छोड़ेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे सपने में मत आओ तुम। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कभी कभी हम सबको बुरे सपने आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ याद रखो कि सपने हैं सिर्फ सपने। हकीकत में सब ठीक होता है।